मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करने से कई प्रकार के जोखिमों से छुटकारा मिलता है और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने में मदद मिलती है, और इसके लिए एक बेहतर विकल्प साबित होते हैं मल्टी एसेट फंड। आज मनी गुरु में बात करेंगे इसी कैटेगरी की, जिसमें इक्विटी, डेट, गोल्ड निवेश के साथ साथ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसे रीट कहते हैं और इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसे इनविट कहते हैं उसमें भी निवेश किया जाता है। तो ये मल्टी एसेट फंड काम कैसे करते हैं, इनकी खासियत क्या है, इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। आज हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, बड़ौदा बीएनपी पैरिबास म्यूचुअल फंड के सीईओ सुरेश सोनी और वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी हमारे साथ हैं। सुरेश जी और हेमंत जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। मल्टी एसेट फंड, नाम में ही जैसे मल्टी है, सुरेश जी क्या यही खासियत है इस कैटेगरी की कि एक हर एक एसेट क्लास के बेस्ट से बेस्ट का समावेश इस कैटेगरी में होता है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए नॉर्मली आप देखते हैं अगर इक्विटी फंड होते तो खाली शेयर्स पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स्ड इनकम फंड्स होते हैं वो खाली बॉन्ड्स पे करते हैं, जबकि मल्टी एसेट फंड ऐसी कैटेगरी है जिसपे हम 3 से 4 एसेट क्लासेस के अंदर अलग अलग पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर का। तो आपको अलग अलग फंड्स में जाने की जरूरत नहीं है, ये फंड एक वेल बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है अलग अलग एसेट क्लासेस का। ओके, तो कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है और एक ही छत के नीचे बेस्ट ऑफ ऑल एसेट्स आपको मिलता है। कहां कहां पर निवेश, कितना निवेश, इसके जो स्पेशलिटी है हेमंत जी मल्टी एसेट कैटेगरी की मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि हमें मालूम है कि हर एक एसेट क्लास बाजार के अलग एनवायरमेंट में अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो क्या फायदा होता है जब बहुत सारे एसेट क्लास में एक फंड निवेश करता है? स्वाति बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि मल्टी एसेट फंड की, तो पहले हम बात करते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। सेबी की जो डेफिनेशन है, सेबी ने कहा है कि आप उन्हीं फंड को मल्टी एसेट फंड कहेंगे जहां पे एटलीस्ट 3 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें और तीनों में मिनिमम हर एसेट क्लास में कम से कम 10% का एक्सपोजर वहां पे होना चाहिए। तो ये तो हो गया कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए एसेट एलोकेशन स्वाति किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसका कारण ये है कि एसेट एलोकेशन एक तो डिटरमिन करता है कि वो जो आपका रिस्क प्रोफाइल है वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे मैच कर रहा है। दूसरी बात हमने देखा है कि आपके जितनी भी स्टडीज हुई है पता चलता है कि एटलीस्ट 85-90% रिटर्न आपका सिर्फ एसेट एलोकेशन से मिलता है आपको, बाकी 10-15% वो किस तरह की आप ऑप्शन लेते हैं। और एसेट एलोकेशन ये भी डिटरमिन करता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो और ये भी बताता है कि आपको किस तरह के रिटर्न आप एक्सपेक्ट करोगे। तो मुझे लगता है कि एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन एक आम निवेशक के लिए कभी कभी ये बहुत मुश्किल होता है ये डिटरमिन करना कि एक तो एसेट एलोकेशन मेरी क्या हो, दूसरा एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट इसका ये होता है कि उसको समय समय पर आपको रीबैलेंस करना होता है। अब रीबैलेंसिंग के लिए ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि ये सही समय है कि नहीं, फिर आप टैक्सेशन भी देखेंगे, तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। जब आप उसके सामने अगर किसी मल्टी एसेट फंड को देखते हैं तो सबसे बड़ा फायदा क्या है, एक तो आपको रेडी पोर्टफोलियो मिलता है जिसमें ज्यादातर जो फंड है वो इक्विटी, डेट और कमोडिटीज यानी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ ऐसे फंड भी हैं जो इंटरनेशनल ETF में इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसा आपने कहा रीट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको इन्वेस्ट करने से पहले देखना होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एक बना बनाया पोर्टफोलियो मिलता है, एक इन्वेस्टमेंट से आप तीनों एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो और वो एक रेंज में रहेगा वहां पे, और रीबैलेंसिंग का भी आपको डर नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो टैक्स एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि जब आप करेंगे टाइमिंग गलत हो सकता है, टैक्स इंप्लीकेशन आ सकती है, लेकिन जब फंड मैनेजर खुद से करेगा तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो आई थिंक काफी फायदे हैं एज ए कैटेगरी, चाहे वो रिस्क प्रोफाइल का हो, चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन का हो, चाहे वो उसको आपको रीबैलेंस करना हो। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा पैकेज मिलता है आपको, जहाँ पे स्पेशली वो इन्वेस्टर जो बहुत एक्टिवली अपना पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर पाते उनके लिए ये काफी अच्छी बैठ। एब्सोल्युटली। और सुरेश जी पिछले कुछ सालों में, पहले तो हम पिछले 2-3 सालों की बात करें क्योंकि काफी ज्यादा बाजार के लिए कहते हैं ना कि अपहीवल वाले साल रहे पिछले 2-2.5 साल, बाजार ने हाईज भी देखे, बाजार ने लोज भी देखे, और उससे भी पहले अगर हम पिछले 1 या 2 डेकेड की बात करें, हर एक एसेट क्लास का उसके प्रोफाइल के हिसाब से रिटर्न कैसा रहा है आपसे समझना चाहेंगे, जिससे कि ये बात में समझ में आए कि एक मल्टी एसेट कैटेगरी का जो नेचर है इन इटसेल्फ कि वो हर एक कैटेगरी को साथ में लेकर चलता है और अनसर्टन बाजार में भी
उस हर कैटेगरी के अपने नेचर के हिसाब से बदलाव करता है, तो रिटर्न के लिहाज से एसेट क्लास का परफॉर्मेंस कैसे रहा है अलग अलग? देखिए ऐसा है कि विनर्स रोटेट, मतलब क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन मार्केट देयर आर कुछ साल होते हैं जहां पे कि इक्विटी बड़ा अच्छा करता है, कुछ साल होते हैं जहां पे फिक्स इनकम ठीक करता है, और कुछ साल होते हैं जहां पे कि अनसर्टेनिटी होती है वर्ल्ड में, तो गोल्ड अच्छा करता है। तो इसके लिए आप शुरुआत में साल के, या आप शुरुआत में ये नहीं कह सकते कि इस साल ये अच्छा करेगा या वो अच्छा करेगा, इस फंड में इस इन तीनों एसेट के कॉम्बिनेशन होने की वजह से आप सारी एसेट क्लासेस में अक्रॉस मार्केट साइकिल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको आइडिया दूं, ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 20 इयर्स अगर आप देखें, तो इक्विटी मार्केट के रिटर्न आप देखेंगे तो अराउंड 16-17% के आसपास कंपाउंडिंग किए हैं। फिक्स इनकम मार्केट के रिटर्न अराउंड 7-7.5% के आसपास कंपाउंड किए हैं, और अगर आप गोल्ड के रिटर्न देखते हैं तो करीब 10-11% के आसपास में कंपाउंडिंग रही। लेकिन इसमें फर्क यह है कि इक्विटी मार्केट के रिटर्न, क्योंकि ये हायर रिस्क एसेट क्लास है, ये वोलेटाइल रहते हैं, फिक्स्ड इनकम का आपको एकदम स्टेडी स्ट्रीम मिलता है, लेकिन उससे आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, तो आपका जो कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा, लेकिन अगर आपको पैसे बढ़ाने हैं अपने, तो फिक्स्ड इनकम में कोई खास गुंजाइश नहीं होती इसकी। और गोल्ड एक ऐसी एसेट क्लास है जो खराब मार्केट के अंदर अच्छा करती है। तो अगर आपको मैं बताऊं कि ईयर 2008 में जैसे इक्विटी मार्केट गिरा था करीब 50% के आसपास, लेकिन उसी पीरियड के अंदर में गोल्ड की प्राइसेस 30% बढ़ी। इसी तरीके से अगर आप कोविड वाला साल देखें, जब इक्विटी मार्केट 40% के आसपास गिर गया था, लेकिन उस टाइम पे गोल्ड ऊपर गया था। तो ये तीन अलग अलग एसेट क्लासेस हैं, विनर्स अलग अलग चेंज होते रहते हैं। अगर पिछले 20 साल के अंदर देखें तो अराउंड 8-10 साल ऐसे रहे होंगे जबकि इक्विटी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा, कम से कम 6-7 साल ऐसे रहे होंगे जबकि गोल्ड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और 4-5 साल रहेंगे जहां पे कि दोनों ने खराब परफॉर्मेंस दिया लेकिन फिक्स्ड इनकम ने अच्छा किया। तो ये परफॉर्मेंस या रिटर्न जो होते हैं एसेट क्लास के, ये चेंज होते रहते हैं, और एक कॉम्बिनेशन करने से आपको तीनों एसेट क्लासेस का अच्छा फायदा मिलता है, क्योंकि आप तीनों एसेट क्लासेस में इन्वेस्टेड हैं। देयरफॉर ओवर अ मार्केट साइकिल आप एक अच्छा परफॉर्मेंस ले पाते। बिल्कुल बिल्कुल सुनिए, यहाँ पर सर आप बता रहे हैं सुरेश जी कि किस तरीके से एक अलग अलग बाजार के साइकिल में एसेट क्लास के अपने नेचर के हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। डेफिनेटली कोरिलेशन की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि एक इक्विटी और डेट है वो इन्वर्सली रिलेटेड है एक दूसरे से, पर यही बात हम इक्विटी और गोल्ड के लिए नहीं कह सकते हैं हेमंत जी। तो मैं यही आपसे समझना चाहती हूं कि एक जो एक इन्वेस्टर है वो किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसी मल्टी एसेट कैटेगरी के फंड में निवेश करे। देखिए जैसे हमने बात की कि एसेट एलोकेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और देखिए काफी बार क्या होता है कि इन्वेस्टर अच्छे से प्लान करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसेट एलोकेशन करते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग फंड में इन्वेस्ट भी करते हैं, जो एक अच्छा तरीका हो सकता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो जानते हैं, समझते हैं और किस तरह से उनको अपना एसेट एलोकेशन मेंटेन करना है। लेकिन हमने काफी बार क्या देखा, जैसे हम पहले भी बात कर रहे हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं, कभी डेट मार्केट अच्छा करता है, कभी इक्विटी मार्केट, कभी गोल्ड, या कभी कभी हो सकता है इनमें से दो मार्केट जो एक साथ अच्छा कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या होता है कि काफी बार इन्वेस्टर्स जो है वो थोड़ा घबरा जाते हैं। अगर मान लीजिए इक्विटी में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है तो डर गए, या फिर उनको लगा कि गोल्ड में कुछ हो नहीं रहा ज्यादा तो वहां से निकल गए। तो होता क्या है कि आप शुरुआत आपने अच्छी की, क्योंकि आपने अपनी एसेट एलोकेशन को मेंटेन नहीं किया, तो जब वो एसेट क्लास जहां से आप निकले जब वो अच्छा करेगा तो आपने बुरा वक्त तो देख लिया, मे बी आपने वेट किया कि उसमें जितनी भी करेक्शन थी वो हो गई, लेकिन उसके बाद आपकी पेशेंस खत्म हो गई, आप वहां से निकल गए, और जब वो टर्न अराउंड हुआ उस एसेट क्लास में आप वहां पे नहीं थे। सबसे बड़ा फायदा मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, उन इन्वेस्टर्स के लिए जो बहुत ज्यादा एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं करते हैं, जो नहीं समझते हैं कि किस समय पे इनको रीबैलेंस करना है, सबसे बड़ा फायदा जो मल्टी एसेट फंड का वो है कि आप तीनों एसेट क्लासेस जहां पे वो फंड इन्वेस्ट करता है उसमें आप हमेशा बने रहते हैं। क्योंकि आप बने रहते हैं, एक तरफ तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें समझने की है कि जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है मल्टी एसेट फंड का वो है रिटर्न तो देना ही, ऑफकोर्स वो रिस्क को भी मैनेज करते हैं। तो क्योंकि आप उन तीनों एसेट क्लासेस में बने रहे और जब उसमें टर्न अराउंड हुआ तो आपने वो अपॉर्चुनिटी को खोया नहीं, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं रहा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि उस एंगल से अगर हम देखें, और जो डिफरेंट एस्पेक्ट मैंने पहले भी बात की, मल्टी एसेट स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो बहुत ज्यादा
जानकार नहीं है या बहुत ज्यादा एसेट एलोकेशन पे ध्यान नहीं दे सकते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। मुझे लगता है उसी तरीके से इस फंड को देखना चाहिए। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा फंड है जो आपके पोर्टफोलियो में जगह बना सकता है, लेकिन साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आप कितना प्रोपोर्शन अपने पोर्टफोलियो का डालते हैं। मान लीजिए आपका 50 लाख का या 25 लाख का पोर्टफोलियो है, आपने 10% मल्टी एसेट फंड में डाला, तो उसमें से भी अगर 10 या 15% आपका अगर गोल्ड में गया तो वो बहुत ज्यादा पर्पज सर्व नहीं करेगा। तो आई थिंक क्वांटम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इस फंड का रोल आपके पोर्टफोलियो में। ओके, और सुरेश जी, क्योंकि एक मल्टी एसेट फंड है, इक्विटी या फिर ऑफ कोर्स डेट और गोल्ड का इसमें एक तालमेल बिठाने की कोशिश की जाती है, इस कैटेगरी का नेचर जो है उसके हिसाब से एक अच्छा मल्टी एसेट फंड कैसे चुना जाए और कैसे गोल्स के लिए, कितने होराइजन के लिए एक मल्टी एसेट फंड सही बैठता है किसी के पोर्टफोलियो में? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा होता है कि अगर दो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, एक तो आपको एसेट एलोकेशन करना है और आपको एक अपना पोर्टफोलियो रिस्क डाइवर्सिफाई करना है। पोर्टफोलियो रिस्क डाइवर्सिफाई तब होता है जब आप अनकोरिलेटेड एसेट क्लासेस में पैसा डालते हैं। अनकोरिलेटेड मतलब जो कि एक साथ ऊपर या नीचे नहीं जाए। जैसे अगर आपने पैसा दो स्मॉल कैप फंड में डाला है तो इट विल नॉट बी कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज दोनों ऊपर या नीचे एक साथ ही जाएंगे। हो सकता है एक 20% ऊपर जाए और दूसरा 22% ऊपर जाए, या दोनों साथ में नीचे जाए। लेकिन गोल्ड, इक्विटी और फिक्स्ड इनकम, ये तीन ऐसी एसेट क्लासेस है जो कि इनका कोरिलेशन बहुत कम है, और बल्कि इक्विटी और गोल्ड का कोरिलेशन तो नेगेटिव है। जब इक्विटी मार्केट में काफी बेरिशनेस होती है उस टाइम पे देयर इज अ समथिंग कॉल्ड फ्लाइट टू सेफ्टी, मतलब इन्वेस्टर्स जो है उस टाइम पे सेफ एसेट क्लासेस चुनते हैं जिसमें कि गोल्ड सबसे ऊपर आता है। इसलिए अच्छा मल्टी एसेट फंड वो होता है जिसमें कि कॉम्बिनेशन हो ऐसी एसेट्स का जो कि कोरिलेटेड नहीं हो। इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड, ये तीनों एसेट ऐसी होती है जो कि आपस में कोरिलेशन काफी कम है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। उसके बाद में ऑफ कोर्स आपको देखना होता है कि फंड मैनेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस, पेडिग्री ऑफ द फंड हाउस, कि किस तरह के फंड हाउस से वो फंड है, और उसके बाद में आप अपना एक इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। आप होराइजन के हिसाब से या कितने टाइम के हिसाब से इन्वेस्ट करें, मेरे ख्याल से 3 साल के ऊपर का होराइजन आपको नॉर्मली लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी एक प्रीडोमिनेंट जो एसेट क्लास होती है या ज्यादा एलोकेशन होता है वो इक्विटी में होता है, क्योंकि वही सबसे बेस्ट एसेट क्लास होती है लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए। तो आपको कम से कम 3 साल का होराइजन जरूर लेना चाहिए इस बात के लिए। और सुरेश जी, आप कह रहे 3 साल या 3 साल से ऊपर के होराइजन के लिए मल्टी एसेट फंड किसी के पोर्टफोलियो में सही रहता है। एक और बात सुरेश जी आपसे जानूंगी, एक जो पोर्टफोलियो में एक्सपोजर है, जैसा हेमंत जी भी कह रहे थे, जिक्र किया था, एक्सपोजर एक मल्टी एसेट फंड का कितना तक सीमित रखना चाहिए किसी इन्वेस्टर को अपने, क्योंकि इसके अपने नेचर में ही इटसेल्फ एक इन्वेस्टर काफी ज्यादा इससे आकर्षित हो सकता है कि अनिश्चित बाजार में भी अच्छे डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिल रहा है, ज्यादा इन्वेस्टर को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बाजार के हिसाब से अपने आप को ये एडजस्ट कर लेगा, पर फिर भी ओवरबोर्ड नहीं किया जा सकता अपने आप को ऐसे किसी फंड में, तो एक्सपोजर कितना? एक बड़ा डाइवर्सिफाइड व्हीकल है और मेरे ख्याल से एक कोर पोर्टफोलियो बन सकता है इन्वेस्टर्स का, जिसको कि आप लंबे टाइम तक पैसा डालकर रख सके। कितना एलोकेशन करना चाहिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपके साथ बैठकर आपके गोल्स के हिसाब से बता सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि 20-25% ऑफ द पोर्टफोलियो वुड बी अ गुड नंबर इनटू द कैटेगरी, बट आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठकर डिस्कस करना चाहिए कि आपका टाइम होराइजन क्या है, आपका गोल क्या है, और उसके हिसाब से आप फिर बाद में इन्वेस्ट कर सकते। तो ये समझने की जरूरत है कि 3 साल से ऊपर का होराइजन और जो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन कितना हो, मल्टी एसेट फंड का एक्सपोजर कितना हो, ये समझना आप सबके लिए बेहद जरूरी है। मल्टी एसेट फंड और कैटेगरी के फायदे बताने के लिए सुरेश जी आपका धन्यवाद करेंगे, आप हमारे साथ मनी गुरु की इस खास चर्चा में शामिल हुए। म्यूचुअल फंड गाइड में आज हम करेंगे चर्चा कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में कब होता है। हमारे साथ वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी हैं। हेमंत जी, डाइवर्सिफिकेशन पे तो बहुत चर्चा होती है कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, है इक्विटी, डेट हो गया या फिर गोल्ड हो गया, एसेट क्लास का एक परफेक्ट बैलेंस आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, पर
डायवर्सिफिकेशन और ओवर डायवर्सिफिकेशन के बीच में एक थिन लाइन भी होती है जो कई बार निवेशक नहीं समझ पाते, इसलिए मैं जानना चाहती हूं आपसे कैसे आइडेंटिफाई करें पोर्टफोलियो में ओवर डायवर्सिफिकेशन को। देखिए, जब भी हम ओवर डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं स्वाति, तो जनरली ये कहा जाता है कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स हैं तो ये ओवर डाइवर्सिफाई हो गया। वो तो सही है बिल्कुल, जब जरूरत से ज्यादा फंड हो, बहुत ज्यादा फंड हो, तो वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन का केस होता है। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे जो टाइम होराइजन है वो अलग अलग होते हैं। कभी हमें बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना होता है, कभी हमें 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना होता है, कभी हमें मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए 4 या 5 साल, फिर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि एसेट एलोकेशन डिफरेंट टाइम होराइजन का अलग अलग होगा, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब हम ओवर डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो में फंड देखना जरूरी है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, मान लीजिए आप इस समय पे टारगेट मेच्योरिटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं 3 या 4, तो वो फंड हो गए, लिक्विड फंड हो गया आपके पास, या फिर हो सकता है कि और डेट फंड हो, या फिर हाइब्रिड फंड हो, इक्विटी फंड हो, डिफरेंट कैटेगरीज के फंड हो गए। ओवर डाइवर्सिफिकेशन तब होता है जब आप एक गोल के लिए, मान लीजिए आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं और आपको एक कॉर्पस बनाना है, आपने डिसाइड किया कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, तो फिर वहां पे आपने 10,000 की SIP करने के लिए 10 फंड ले लिए, तब वो एक केस होता है ओवर डाइवर्सिफिकेशन का। क्योंकि हमें यह समझने की जरूरत है एज एन इन्वेस्टर कि म्यूचुअल फंड खुद से एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल, उनका बेसिक प्रिंसिपल ही हुआ है कि वो आपके जैसे हजारों लाखों इन्वेस्टर का पैसा लेते हैं और फिर छोटी छोटी रकम इकट्ठी करके, और ऑफकोर्स कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो बड़ी रकम डालते हैं, कुछ छोटी रकम डालते हैं, उस तरीके से पोर्टफोलियो बनता है और आपका पैसा जो है अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस स्टॉक्स, वो आपको एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। उसमें भी अगर आप मान लीजिए 10 फंड आपने ले लिए, 3 लार्ज कैप ले लिए, 3 मिड कैप ले लिए, 2 स्मॉल कैप ले लिए, एक जैसे फंड आप लेंगे तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहा, वो आपके पोर्टफोलियो को कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। क्योंकि जब लार्ज कैप गिरेंगे तो सारे लार्ज कैप गिरेंगे, मिड कैप गिरेंगे तो सारे मिड कैप गिरेंगे। तो इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिफिकेशन, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है, पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना मुश्किल होता है। और ये मिथ रहता है हमारे दिमाग में कि हमारे पास 10 फंड है तो हमारा पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड हो गया, जबकि वाकई में हो सकता है कि शायद 3 फंड से जो डाइवर्सिफिकेशन मिले वो आपको 10 से भी ना मिले। तो समझिए इंपॉर्टेंट है एलोकेशन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट का, और कौन से ऐसे फंड है जो आपको उस सेगमेंट का सही फायदा देते हैं। तो मेरे हिसाब से एक गोल की जब हम बात करते हैं तो जनरली स्पीकिंग, अनलेस अमाउंट बहुत बड़ा हो, 3 या 4 फंड आपके पोर्टफोलियो में सही हो सकते हैं। तो ये समझना है कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में फंड कितने काउंट नहीं करना है, आपको किस गोल, किस टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां पे ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे 3 से 4 फंड, मतलब एक पोर्टफोलियो में इक्विटी के फंड है, फिर डेट कैटेगरी के फंड है, दोनों में एक निवेशक को टारगेट करना चाहिए उनके लक्ष्य के हिसाब से, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली या एसेट एलोकेशन के हिसाब से कि उन्हें कितने फंड रखने हैं। अगर कुल मिलाकर देखें तो डेट कैटेगरी में अराउंड 2 से 3 फंड या और इक्विटी में अराउंड 2 से 3 फंड सही है? नहीं देखिए, वो भी मैं कह रहा हूँ कि अगर देखिए, अगर मान लीजिए मेरे गोल्स अलग अलग है, मुझे घर बनाना है, फिर मुझे बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना है, फिर मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए जमा करना है, दूसरी बात जैसे हमने कहा हाइब्रिड फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है क्योंकि टाइम होराइजन मेरा ऐसा है, और उसमें भी अगर मैं चाहता हूं कि मेरा पोर्टफोलियो ऐसा बने कि बहुत ज्यादा रिस्क ना हो, तो मैं हो सकता है कॉम्बिनेशन बैलेंस एडवांटेज का या फिर एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड का। डेट में जैसे मैंने कहा, अगर हम आज की सिचुएशन देखें, ऑलमोस्ट फैग एंड पे है, हम इंटरेस्ट रेट हाई साइकिल पे, तो ऑब्वियसली जैसे टारगेट मेच्योरिटी फंड है, फिक्स मेच्योरिटी फंड है, वो अच्छे हैं मेरे लिए, लेकिन मेरी जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है वहाँ पे लिक्विड फंड होंगे मेरे पास। तो ऐसा नहीं है कि आपको एसेट क्लास में 2 या 3 या 4 फंड चाहिए। मैं कह रहा हूँ आपका जो गोल है उसमें, अब अगर आप मान लीजिए एजुकेशन के लिए 10 साल का समय है, रिटायरमेंट के लिए 20 साल का समय है, तो आप चाहेंगे कि दोनों का पोर्टफोलियो अलग अलग हो, तो वहां पे कोशिश करना है कि ओवरलैपिंग ना हो, बट गोल वाइज अपना पोर्टफोलियो बनाइए, उसमें ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा फंड ना हो, क्योंकि फिर ओवर डाइवर्सिफिकेशन से आपको नुकसान ही होगा। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंड होंगे, तो ऐसा नहीं कि आपके पोर्टफोलियो में अगर 15 फंड है तो वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन का केस है, वो डेफिनेटली नहीं है, प्रोवाइडेड आपने अपने अपने एसेट एलोकेशन और अपने टाइम होराइजन के हिसाब से उनमें अगर इन्वेस्टमेंट किया तो। बिल्कुल, बेसिकली ड्यूप्लीकेशन अवॉइड करना है किसी भी फंड का। हेमंत जी, किसी के पोर्टफोलियो में, अब मानिए किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड है,
तो जो फंड की संख्या कम किन फैक्टर्स पे की जा सकती है, मेजर जो उसके पैरामीटर से पैमाने हैं वो क्या हो? देखिए, एक तो आपको देखना, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए हम किसी इक्विटी पोर्टफोलियो की बात करते हैं, वहां पे 3 या 4 अगर लार्ज कैप है, फिर मिड कैप है, तो उनमें से आपको कम करना है। उनमें से एक बार आपने डिसाइड किया कि कौन से किस तरह के फंड को हमें कम करना है, वहां पे ज्यादातर हमने क्या देखा है, इन्वेस्टर्स थोड़ी गलती ये करते हैं कि उनको लगता है कि जिस फंड में मान लीजिए हो सकता है कि आपकी चॉइस अच्छी ना हो या उस फंड ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की हो, वो अगर कुछ लॉस में चल रहा है तो वो थोड़ी सी हेजिटेशन होती है कि नहीं इसको नहीं निकालेंगे जब तक ये लॉस पूरा नहीं होगा। वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे परफॉर्मिंग फंड को पोर्टफोलियो से निकालोगे तो आपका नुकसान ही होगा। आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि उन फंड्स को निकालें जो आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से सुटेबल है, इनकी परफॉर्मेंस जो है काफी कंसिस्टेंट है और उनकी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो भी काफी कंसिस्टेंट है, तो उस हिसाब से उन फंड्स को रखिए। पहले तो ये देखिए किस कैटेगरी में कम होंगे, कितने फंड कम हो सकते हैं, और फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से उन फंड को रखिए जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते हैं, ना कि नॉन परफॉर्मिंग फंड को रखना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचाएगा। और इंपॉर्टेंट चीज ये है, कभी कभी आपको ये भी देखना है कि आप हो सकता है बहुत ज्यादा समय नहीं हो, उसमें एग्जिट लोड हो, उसमें टैक्सेशन भी आपको देखना है, लेकिन अगर आप बहुत क्लियर है ये जो डिसीजन है आपका लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा होगा, तो अगर उसकी कॉस्ट भी आपको देनी पड़े, चाहे वो एग्जिट लोड हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल लोड हो, वो भी देने में मुझे लगता नहीं हेजिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि इन द लॉन्ग रन अगर आपके पास आगे जाके 10 या 15 साल और है तो उसका बड़ा फायदा आपको होगा, बजाय इसके कि आप पूरा फोकस सिर्फ आज ये देखें कि मुझे इसमें टैक्स कम पे करना। इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचे अपने पोर्टफोलियो में, आइडेंटिफाई करें कौन से ऐसे रीजन है जिससे आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड हो रहा है, और ऐसे कुछ फैक्टर से आप अपने पोर्टफोलियो में डुप्लीकेशन को, बेसिकली एक ही कैटेगरी के बहुत सारे फंड्स होने से अपने आप को बेसिकली क्लीन कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो, यही हमें समझ में आया आज की बात से। धन्यवाद करेंगे हेमंत जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए मनी गुरु में। बस इतना ही आज के लिए।